बच्चों, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? यू नो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9। क्लास 9 के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रही हूँ, दैट इज हेरोल्ड्स फार्मूला चैप्टर 12। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12, ओके, एंड दिस इज कमिंग इन टर्म 1। ये टर्म 1 में आने वाला चैप्टर है। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन मिल जाए, राइट? हम मोटिवेट हो जाए ताकि हमें चैप्टर करने में बहुत मजे आए, राइट? सो यू नो दैट मोटिवेशन हम एक कोर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, एक ब्यूटीफुल शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स नो दैट इज व्हाई। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो गई इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो गई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो बच्चों, इस कोर्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। हे एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एमके। सो यू नो दिस फार्मूला वाज गिवन बाय दैट ग्रेट मैथमेटिशियन हेरोल्ड। ये एक्चुअली हेरोल्ड्स फार्मूला ये ग्रेट मैथमेटिशियन का दिया हुआ है, जिनका नाम था हेरोल्ड। एक्चुअली यू नो बच्चों, हम जानना चाहें कि ये फार्मूला से हम करते क्या है, देन यू नो इस फार्मूला की हेल्प से हम करते हैं किसी भी ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट। मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल की हमें एरिया फाइंड आउट करने हैं तो हम हेरोल्ड्स फार्मूला के यूज से कर सकते हैं। बट आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैम हमारे पास तो पहले ही से एक फार्मूला है, ओके, हमारे पास तो ऑलरेडी वी आर फैमिलियर विद द फार्मूला। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के अगर एरिया निकालने हो तो हम करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज दैट दिस इज अ ट्राइंगल, ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू आर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बच्चों, ये ट्राइंगल के एरिया हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल की हाइट और बेस गिवन हो। अगर हाइट एंड बेस गिवन है तभी हम यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? बट इफ यू डोंट है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमारा हाइट है एंड दिस इज बेस, तो हम सिंपली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी साइड डिफरेंट डिफरेंट है, हाइट वेट कोई हमें पता नहीं है, ओके, साइड्स भी डिफरेंट है, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, देन इस कंडीशन में हम कैसे फॉलो करें? देन इस कंडीशन में जिसके मींस हाइट गिवन नहीं है, हमें हाइट मेंशन नहीं है, पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी ट्राइंगल की एरिया कैसे फॉलो करें? Means sides given है, सभी sides given है, three sides given है, but we don't know height, हमें height पता नहीं है, then you know इस तरह के triangle के area find out करने के लिए हमारे पास formula है, that is Hereold's formula, और ये formula क्या है? area of a triangle equals to what? S into S minus A into S minus B into S minus C into S minus C under root. This is the formula. This is called Hereold's formula. इसी को हम कहते हैं Hereold's formula. यही है हमारे Hereold's formula. Hereold's formula. S into S minus A into S minus B into S minus C. जहां भी बच्चों, you know what? Where A, B and C. A, B and C are sides. ये sides हैं. Are sides of a triangle. Sides of a triangle. जहां पे A, B, C किसी triangle के क्या है? Sides हैं. And what is S? S क्या है? What is the meaning of S here? What does S stand for? Then that stands for semi-perimeter. Semi-perimeter. Semi-perimeter means what? Perimeter the half. Suppose that ये triangle है जिसकी length means side given है 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Suppose that ये given है 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Then how will you find a perimeter?
तब हम पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सभी साइड्स को सिंपली हम ऐड कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड. सो पैरीमीटर इक्वल्स टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी. तीनों साइड को हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे. तीनों साइड को हम सिंपली ऐड कर देंगे. बट ये तो पैरीमीटर है, बट व्हाट इज सेमी पैरीमीटर? सेमी पैरीमीटर किसे कहते हैं? देन पैरीमीटर के हाफ को हम सेमी पैरीमीटर कहेंगे. दैट इज ए इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू. जो थ्री साइड्स गिवन होते हैं ए बी सी, इन थ्री साइड्स को ऐड करके हम टू से डिवाइड करते हैं. मींस पैरीमीटर को सिंपली हम टू से डिवाइड कर सकते हैं और कह सकते हैं पैरीमीटर डिवाइडेड बाय टू. यहां पे पैरीमीटर कितनी है? जस्ट लुक हियर, यहां पे पैरीमीटर कितनी है बच्चों? तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. 4 3 7 7 plus 5 12 सेंटीमीटर. ओके, बट व्हाट इज सेमी पैरीमीटर? सेमी पैरीमीटर क्या होगा? हाफ ऑफ पैरीमीटर. पैरीमीटर का हाफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू. ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू. ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज पैरीमीटर. टोटल कितना आता है? 12. 3 प्लस 4 प्लस 5 12. सपोज इस ट्राइंगल के लिए 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 12. और अब हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड. 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर? 6. मींस सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. अगर पेरीमीटर 12 है देन सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर. अगर हमारा पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है देन सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर. मींस पेरीमीटर का हाफ को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर. अंडरस्टूड? और ये रहा हमारा हेरॉन्स फार्मूला. ये हेरॉन्स फार्मूला बच्चों इसे अपने माइंड में डाल लें, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूला की हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर साइड गिवन है तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया हम आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू आवर एग्जांपल. एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे.